नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ Mentor में। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस CPET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसमें आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों को डिस्कस करेंगे, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक के हुए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस CPET का मास्टर बैच लेकर चल रहे हैं, जो कि 30 दिनों का टोटल बैच होगा। दोस्तों इस 30 दिनों के बैच में आपको दो क्लासेस दी जाती है डेली, एक दोपहर को 2 बजे, दूसरी शाम को 8 बजे। लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लासेस 1 घंटे लेट चल रही है, 3 बजे चल रही है, लेकिन डेली ये क्लासेस 2 बजे ही दी जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो शुरुआत करेंगे करंट अफेयर सेशन की। दोस्तों ये करंट अफेयर सेशन हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है और ये लगभग 3 से 4 दिन तक पूरा ये सेशन चलने वाला है करंट अफेयर्स का। और इस 3 से 4 दिन तक जो करंट अफेयर सेशन चलेगा, लगभग हर एक टॉपिक से सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट आपका छूटने नहीं पाएगा, जान लेना। और दोस्तों ये करंट अफेयर सेशन जो है ये आपके जो PGT की परीक्षा होने जा रही है, जो TGT की परीक्षा होने जा रही है, जो यूपी ट्रिपल एस CPET की परीक्षा होने जा रही है 20 अगस्त को, इन तीनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो UPSI की परीक्षा होगी, UPSI वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो आने वाली यूपी ट्रिपल सी लेखपाल की भर्ती है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये सेशन। तो इस सेशन को पूरा देखना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, हर एक पॉइंट को हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। और 4 दिन तक 5 दिन तक जो ये सेशन चलेगा, इस पूरे सेशन को करंट अफेयर्स के देखना है, क्योंकि आपकी PT की परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है करंट अफेयर्स से। और जो सेशन हम लोग चल रहे हैं इस सेशन में दोस्तों, 10 में से 8 नंबर का क्वेश्चन गारंटी है हमारे इस सेशन से फंसने वाला है, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है, हर एक टॉपिक से चीज़ों को हमने उठा लिया है, क्योंकि ये सारी वीडियोज दोस्तों UPSSC PET के सिलेबस पर पूरी तरीके से बेस्ड होगी, ठीक है ना। तो जो 3 से 4 दिन तक सेशन चलेगा, दोपहर को 2 बजे करंट अफेयर का, पूरे सेशन को आप लोग को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस प्रणाली की शुरुआत 1 दिसंबर 2020 से की गई है। तो दोस्तों उस प्रणाली का नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी RTGS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1 दिसंबर 2020 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने लोकसभा सचिवालय का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट हमारा है, दिसंबर 2020 में पूर्णतः जैविक खेती वाला घोषित केंद्र शासित क्षेत्र है। तो दोस्तों उस केंद्र शासित क्षेत्र का नाम है लक्षद्वीप। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा इसके लिए या ट्रिपल बनाइएगा, इसरो द्वारा दिसंबर 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहन PSLV VC50 द्वारा किस संचार उपग्रह का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो दोस्तों उस संचार उपग्रह का नाम है CMS-07। जी हाँ दोस्तों, CMS-07 का जो ये संचार उपग्रह है CMS-07, इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफलतापूर्वक किया गया है। अगर पूछा जाए कि किस रॉकेट के माध्यम से CMS-07 को छोड़ा गया है, तो दोस्तों उस रॉकेट का नाम है PSLV VC50। क्या है? PSLV VC50 नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 वाली जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक तेंदुओं वाला सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल तेंदुओं की संख्या 3421 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 21 दिसंबर 2021 को भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल वह जमकर जिसे दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार देखा गया था, तो उसका नाम है हिमालयन सिरो। जी हाँ दोस्तों, IUCN के जो है इसने क्या किया है कि एक अति संवेदनशील श्रेणी में हिमालयन सिरो को रखा है। और दोस्तों ये हिमालयन सिरो जो है ये दिसंबर 2020 में पूरी तरीके से जम गया है, फ्रीज हो करके ये हमको शीत मरुस्थल में देखने को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का उनके भार, स्कूल बैग का जो टोटल भार है वो उनके शरीर के वजन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का जो भार है वो उनके शरीर के वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, क्योंकि आपके टेट की परीक्षा में, सुपर टेट परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट वालों के लिए और सुपर टेट वालों के लिए, साथ ही साथ पीटी वाले भी हैं और जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो भी देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो 2 नए चिड़ियाघर कौन से हैं? तो पहला चिड़ियाघर है दोस्तों बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी, दूसरा है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला उद्यान, ये जो चिड़ियाघर है, ये 2 चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल वेस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नए संसद भवन का शिलान्यास किसने किया है? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जहां दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नए संसद के भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन को उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लेना इसके लिए कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया है? तो उनका नाम है दोस्तों मजेंटा लाइन, जो और ये जो मजेंटा लाइन है दोस्तों ये आपके जनकपुरी से लेकर के पश्चिम बोटैनिकल गार्डन तक जाया करती है, ठीक है ना। तो ये जो मजेंटा लाइन है ये आपके जनकपुरी से लेकर के पश्चिम बोटैनिकल गार्डन के बीच में होती है और इसी के बीच में दोस्तों भारत की पहली चालक रहित यानी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परिचालन नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ट्रिपल स्टार बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 मीडिया इकाइयों फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की विलय को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों उसका नाम है NFDC में, किसमें? NFDC में इसके विलय को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भाउरपुर न्यू खोजा सेक्शन का उद्घाटन किया है, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पॉइंट को जरा ध्यान से इसको समझना, इस पॉइंट को, कि 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भाउरपुर या फिर भाउपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जितने भी रेलवे के परीक्षा वाले बच्चे हैं, पीटी की परीक्षा वाले बच्चे हैं या फिर टीजीटी वाले जो बच्चे हैं उसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया, वो किसने जारी किया है श्वेत पत्र को? तो नीति आयोग के द्वारा ये श्वेत पत्र जारी किया गया है और इस श्वेत पत्र का नाम है दोस्तों विजन 2035। इस श्वेत पत्र का नाम है जिसको नीति आयोग ने जारी किया है। उसके बाद 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है, कौन है वो एजेंसी? तो उसका नाम है दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL। जी हाँ दोस्तों 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की योजना दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एजेंसी के क्रियान्वयन से हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का जलावतरण किया गया है, कहाँ पे किया गया? तो गोवा में किया गया है, ठीक है ना, डिफेंस वाले बच्चे इसको याद कर लो।
उसके बाद 24 दिसंबर 2020 को भारत ने लद्दाख के किस आर्द्रभूमि क्षेत्र को देश के 42वें रामसर स्थल के रूप में या रामसर साइट के रूप में शामिल किया है? तो उसका नाम है दोस्तों त्योकर, त्योकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है ना। जहाँ दोस्तों 24 दिसंबर 2020 को भारत ने लद्दाख के त्योकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को देश के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं जल माफ कीजिएगा हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कब से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दिसंबर 2020 में यूनेस्को के अर्बन लैंड स्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वो जो शहर शामिल किया गया उस शहर का नाम है मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा को, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर को और ओरछा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2020 में यूनेस्को के अर्बन लैंड स्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व विरासत शहर की सूची में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है कौन? लखनऊ मेट्रो। क्या बना है? लखनऊ मेट्रो बनी है। जहां दोस्तों हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए अब बढ़ते हमारे आगे तरफ। दोस्तों किस राज्य के दो हवाई एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दोस्तों राज्य के दो एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश ही बना है। इसके अलावा 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकानों से जुड़ी लाइट हाउस परियोजना पर की आधारशिला रखी है या फिर लाइट हाउस परियोजना की आधारित रखी है? तो दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा में और लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इन जगहों पे 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन 6 स्थानों पर हल्के मकानों से जुड़ी लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। एक डबल स्टार बनाने वाला क्वेश्चन है या ट्रिपल स्टार बना लो। हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा दोस्तों भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया? तो दोस्तों भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। इसके अलावा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके वर्तमान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा गया है और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, इसको याद रखना। उसके बाद 16 जनवरी 2021 से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कहाँ शुरू होगा? तो भारत में शुरू होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बल की एक टुकड़ी ने भाग लिया था? तो दोस्तों बांग्लादेश के सशस्त्र बल की एक टुकड़ी ने भाग लिया था। उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो उसका नाम है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में योगदान। जी हाँ दोस्तों 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि का नाम था सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रखना, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ के मुख्य अतिथि थे। उसके बाद भारत का पहला पॉलिनेटर यानी परागकण पार्क किस राज्य में स्थित किया गया है? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में स्थापित किया गया है। उसके बाद भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला फायर पार्क दोस्तों उड़ीसा में लगाया गया है या स्थापित किया गया है। उसके बाद हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम लाइब्रेरी लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी।
उसके बाद भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया? तो उस रेलगाड़ी का नाम है दोस्तों हावड़ा कालका मेल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दोस्तों उस ट्रस्ट का नाम है प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंध करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट। क्या है? प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंध करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली पहल का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों वैक्सीन मैत्री। जहां दोस्तों 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत के द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाला पहल था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वैक्सीन मैत्री। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी की कितनी लंबाई है? तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका नाम वासुकी है, इसकी लंबाई टोटल दोस्तों 3.5 किलोमीटर की है। कितने की है? 3.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाल ठाकरे के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान को शुरू किया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच आयोजित पहली सड़क सुरक्षा माह 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसके अलावा दोस्तों 30 जनवरी 2021 को वर्तमान वर्ष के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किया गया, तो किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी शुरुआत की है। इसके बाद दोस्तों, जनवरी 2021 में गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन था? तो बांग्लादेशी था। इसके अलावा दोस्तों, 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? तो एयरटेल ही बना है दोस्तों। कौन बना है? एयरटेल बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया? दोस्तों उस लड़कियों की सशक्तिकरण के लिए पंख अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 24 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसे उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी को। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के लिए का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत देश में सुशासन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सुशासन के मामले में शीर्ष राज्य उड़ीसा है। उसके अलावा गुजरात राज्य ने 19 जनवरी 2021 को ड्रैगन फ्रूट का नाम रखने का प्रस्ताव किया है। ड्रैगन फ्रूट का नाम रखने का प्रस्ताव किया है, तो क्या नाम रखा जाएगा ड्रैगन फ्रूट का? तो कमलम। ठीक है ना, इसके लिए गुजरात सरकार ने क्या किया है कि 19 जनवरी 2021 को ड्रैगन फ्रूट जो है उसका नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है, और जो नया नाम रखा जाएगा ड्रैगन फ्रूट का वो रखा जाएगा कमलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया? दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है ना, उसके बाद 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर के
कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान का संचालन किसने किया? तो उनका नाम है पायलट जोया अग्रवाल ने। किसने? पायलट जोया अग्रवाल ने किया। उसके अलावा 25 जनवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो 25 जनवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विलिगेंट सेफ इन्फॉर्म्ड। क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड वेलिगेंट एंड सेफ इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 86वीं रैंक प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाइएगा इसके लिए। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 86वीं रैंक प्रदान हुई। इसके अलावा 15 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड विनिर्माण सुविधा केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। उसके बाद दिसंबर 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के किस जिले में भारत का 8वां उत्पादन बेसिक बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों 24 परगना। क्या नाम है उसका? 24 परगना नाम है। जहां दोस्तों दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश अभ्यासी शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से किस रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उस रेल लिंक का नाम है हल्दीबाड़ी। हल्दीबाड़ी जो कि भारत में है और चिल्हाटी जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2020 में प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगरी का जलावतरण हुगली नदी में किया गया। इसका निर्माण किया गया है, तो इसका निर्माण क्या है? मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा। उसके बाद दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं की फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। तो उसका नाम है दोस्तों EVIC। ठीक है ना, EVIC, जिसको हम लोग एपिक बोलते हैं, ई एपिक बोला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी लॉन्च किया है, जिसको हम लोग EPIC बोला करते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा है हमारा 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो क्या प्रदान किया गया? तो महावीर चक्र प्रदान किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात में कहाँ पे? तो गुजरात में अहमदाबाद जिले के विरोचन नगर में बनाया जाएगा। इसके बाद 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू की जाने वाली रामकृष्ण मिशन का मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की वर्षगांठ मनाई गई है। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है ना, इस पॉइंट को फिर से जान लेना। पहले तो इसके लिए डबल स्टार बनाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए जान लो कि 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू की जाने वाली रामकृष्ण मिशन का मासिक पत्रिका प्रभुत्व भारत की 125वीं वर्षगांठ बनाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रसिद्ध क्रैक K9QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम त्वरित प्रक्रिया टीम हाल ही में चर्चा में है, वह किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों वो संबंधित है ITBP यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों HSBC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों HSBC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर शहर के गिफ्ट के पास सिटी में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान द्वारा श्री शक्ति सेट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लिख लो। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान के द्वारा श्री शक्ति सेट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। और दोस्तों कोयम्बटूर में किया जाएगा ये उद्घाटन। ठीक है ना, कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों उस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम है कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। क्या? कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के वैक्सीन मित्र पहल के तहत कोविड 19 टीके को प्राप्त करने वाले प्रथम देश कौन बने हैं? तो प्रथम देश बने दोस्तों श्रीलंका और बहरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एवं दुनिया का चौथा गैस से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा, कौन स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना, गैस से इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में भारत के पहले जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी या स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले जेंडर पार्क की स्थापना दोस्तों कोझीकोड जिला यानी केरला में किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र स्थित जो सहकारी बैंक है उसका नाम शिवम सहकारी बैंक है। तो शिवम सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया, किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, याद रखना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिवम सहकारी बैंक के लाइसेंस को निरस्त किया है। तो ये दोस्तों शिवम सहकारी बैंक कहाँ पे है? तो ये दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो दोस्तों 100% साक्षरता वाला देश का जो पहला जिला बना है वो है उत्तराखंड का देहरादून जिला। कौन? उत्तराखंड का देहरादून जिला बना है। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को चुना गया है? तो उस शब्द का नाम है दोस्तों आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है हमारा, सैन्य विमान विकसित करने और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी इकाई कौन सी होगी? तो टाटा समूह होगी। उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के किस शहर में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी गई है? तो दोस्तों गुलमर्ग के सिद्धि सखी रिसोर्ट में। कहाँ पे? गुलमर्ग के सिद्धि सखी रिसोर्ट में, ठीक है। आगे कहता है, भारत के मौसम विभाग का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा आकाशवाणी संगीत समारोह का भाग बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? तो उसका नाम अब रखा जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। क्या? पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरला के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। तो डिजिटल विश्वविद्यालय का नाम क्या है और कहाँ पे है? तो दोस्तों वो डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम के स्थित टेक्नोसिटी में है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नोसिटी में है। उसके बाद नेक्स्ट है, ठिग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हिमा दास को असम राज्य सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने उसे उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित किया जाएगा। उसके बाद गुजरात के गांधीनगर जिले में नासमेट गांव में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की जाएगी? तो टाटा समूह के सहयोग से की जाएगी। उसके बाद भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर का नाम क्या है? तो उनका नाम है भावना कांत। नेक्स्ट है हमारा, 1 फरवरी 2021 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा क्या? केंद्रीय बजट 2021-22। अच्छा, ये केंद्रीय बजट 21-22 तो है दोस्तों, ये भारत का पहला डिजिटल बजट है, ठीक है ना। उसके बाद भारत के 15वें वित्त आयोग को अंतिम रिपोर्ट संसद के किस विधि के पेश की गई है? तो 1 फरवरी 2021 को।
उसके बाद 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र का स्थापित किया गया है। उसके बाद भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना सर्वाधिक क्षेत्र के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों पुगा गांव में। कहां पे? पुगा गांव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता राज्य कौन बना है? तो केरला बना है। फिर फरवरी 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। इसके बाद फरवरी 2021 को देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। इसके बाद फरवरी 2021 में जारी 21 Times 100 नेक्स्ट सूची में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किए गए एक भारतीय कार्यकर्ता की जगह बनाई है। तो उनका नाम है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता पाने वाला भारत का पहला राजधानी शहर कौन बना है? तो हैदराबाद बना है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फरवरी 2021 में असम में किस पुल की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों उस पुल का नाम है धुबरी फुलबारी। क्या है? धुबरी फुलबारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा वन विभाग के मुख्यालय अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है, कहां पे किया गया? तो लक्षद्वीप में किया गया है। इसके बाद 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शताब्दी समारोह का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है? तो दोस्तों उसका नाम है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फरवरी 2021 में किसे पांडिचेरी के उपराज्यपाल पद से मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों किरण बेदी को। किसको? किरण बेदी को। पांडिचेरी के उपराज्यपाल पद से पदमुक्त कर दिया गया है किरण बेदी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी 2021 को मनाया गया है। उसके बाद 4 फरवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अपने राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है? तो मजुली जिले में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों उसका नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? होशंगाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहता है फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा संस्था जैव विविधता और पर्यटकों की सुविधा को बेहतर करने के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को विश्व में कौन सा स्थान दिया? तो विश्व में दूसरा स्थान दिया है। नेक्स्ट हमारा कहता है डबल इन पृष्ठा बनाइएगा, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है, ये किस राज्य में है? तो ये कुशीनगर एयरपोर्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फरवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने असम के किस जिले में भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने असम के दरांग जिले में, कहाँ पे? दरांग जिले में भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड्स में सर्वप्रथम मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की है, तो किसे की है? तो दिल्ली पुलिस के जाट रेजिमेंट को प्रदान की है। उसके बाद हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने फरवरी 2021 में गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है माँ कैंटीन योजना, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2021 में गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में पूछ रहे हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम राजस्थान में बनने जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 26 फरवरी 2021 को भारत के निर्वाचन आयोग ने किन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा की है? तो उनका नाम है दोस्तों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पौंडीचेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अजय मल्होत्रा को चुना गया है। किसको? अजय मल्होत्रा को चुना गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फरवरी 2021 में किस मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर पूर्व भारत का वह राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष के उपरांत पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो नागालैंड में। उसके बाद भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग किस राज्य में सन 2023 में शुरू की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद 22 फरवरी 2021 को पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना है। ट्रिपल स्टार बनाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि 22 फरवरी 2021 को पूर्ण रूप से डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धेमाजी जिले असम के सिलपाथर के किस क्षेत्र की परियोजना देश को समर्पित किया है? तो तेल और गैस की परियोजना को देश को समर्पित किया है। उसके बाद डबल स्टार बनेगा, किसान सूर्योदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? तो कोप्पल जिले के भानपुर गाँव में मनाया जाएगा। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। तो वन अग्नि की जो सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं किस राज्य में हुई है? तो उड़ीसा में हुई है। और कुल कितनी घटनाएं हुई? तो कुल घटनाओं की संख्या है 5291 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 22 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए अब एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम है समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में वह भारतीय राज्य जिसने राज्य की 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश सड़क ने, ठीक है ना। इसके बाद देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का निर्माण द्वारिका दिल्ली से गुरुग्राम हरियाणा के मध्य किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई दोस्तों 29 किलोमीटर की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 28 फरवरी 2021 को इसरो के प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित किया गया ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसरो के वर्ष 2021 के पहले अंतरिक्ष मिशन में किस उपग्रह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवद गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप भेजा गया है? तो सतीश धवन उपग्रह से भेजा गया है, जिसको हम लोग STSAT के नाम से भी जानते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के हैदराबाद के गाची बोली पुलिस स्टेशन में किया गया है। ठीक है ना, कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद के गाची बोली पुलिस स्टेशन में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी का विलय होने पर क्या नाम रखा जाएगा, नया नाम क्या रखा जाएगा? तो संसद टीवी रखा जाएगा। इसके बाद 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। इसके बाद मार्च 2021 में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो इंदौर ने प्राप्त किया है। इसके बाद एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान किसे मिला है? तो शिमला को मिला है। किसको मिला है? शिमला को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ शुरू किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली में शुरू किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने को सुगम बनाने के लिए किस पुल का उद्घाटन किया है? तो उस पुल का नाम है दोस्तों मैत्री सेतु पुल। क्या नाम है? मैत्री सेतु पुल नाम है। इसके बाद दोस्तों 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट 75 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया एट द रेट 75 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद भारतीय रेल आयोग ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली की शुरुआत कहाँ की है? तो दोस्तों मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली की शुरुआत मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर लोकल ट्रेनों में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों जल शक्ति अभियान वर्षा जल संचयन की शुरुआत की है। उसके बाद सड़क सीमा संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 200 फीट का बोली पुल जनता के लिए कहाँ चालू किया गया? तो उत्तराखंड में चालू किया गया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहाँ पहल किया गया या किस पहल की शुरुआत की गई है? तो उस पहल का नाम है जनजातीय टीबी पहल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। उस पहले राज्य का नाम है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोविड-19 महामारी के प्रारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को पहली यात्रा संपन्न किया? तो बांग्लादेश की यात्रा को संपन्न किया है। इसके बाद हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो दोस्तों केला महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किन दो राज्यों के बीच केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? ट्रिपल स्टार बनाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। उसके बाद हाल ही में एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा प्राप्त किया है। तो दोस्तों HDFC बैंक ने यह दर्जा प्राप्त किया है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है जिसे पर्यटकों के लिए 25 मार्च 2021 को खोला गया है? तो दोस्तों श्रीनगर में खोला गया है ये ट्यूलिप गार्डन। उसके बाद भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा एक्सप्रेस संचालित करने की घोषणा की गई है? तो मिताली एक्सप्रेस को संचालित करने की घोषणा की गई है। इसके बाद देश का प्रथम कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में शुरू किया गया है। इसके बाद हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है? तो विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बाद 30 मार्च 2021 को IIM जम्मू में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नाभाषी माध्यम से छात्रों और शिक्षकों दोनों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए उद्घाटित किया है। तो क्या उद्घाटित किया है? उसका नाम है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। क्या उद्घाटित किया है? आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ठीक है ना। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क बुल
आर्क पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी बनाया गया है और जो कि 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। उसके बाद हाल ही में पारंपरिक नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर कर्नाटक में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है युगादि त्यौहार। क्या नाम है? युगादि त्यौहार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए इसरो ने फ्रांस के साथ अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। उसके बाद 31 मार्च 2021 को सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री मनमुख एल मडविया ने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है ना। उसके बाद फास्टैग जारी करने के फोन पे के साथ साझेदारी कौन से बैंक ने किया है? तो फास्टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी ICICI बैंक ने किया है। उसके बाद दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित किया है, तो किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान ताऊते का वैज्ञानिक नामकरण किया गया है। तो ताऊते का वैज्ञानिक नामकरण किस देश ने किया है? तो म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इसका नाम वैज्ञानिक नामकरण दिया गया ताऊते। इसके बाद भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर्नाटका के बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसके बाद भारतीय रेलवे के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में शुरू किया गया है। उसके बाद हाल ही में सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद 11 से 12 मई 2021 के बीच समुद्री पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा किसका आयोजन किया गया है? दोस्तों गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS 2021 का उद्घाटन या आयोजन किया गया है। उसके बाद मई 2021 में सशस्त्र बलों द्वारा को जीत किससे लड़ने हेतु किया गया है? तो COVID-19 से लड़ने के लिए किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा आयुष 64 पद किससे संबंधित है? तो आयुष 64 जो है दोस्तों ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन यानी COVID-19 संक्रमण उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए संबंधित रहा है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित COVID-19 दवा का नाम क्या है? तो DRDO के द्वारा विकसित COVID-19 दवा का नाम है 2-DOXY-D-ग्लूकोज है, यानी 2DG भी हम लोग बोला करते हैं। तो यार ये था हमारा आज का सेशन इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर कर लिए हैं। कल के सेशन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसका PDF चाहिए तो नीचे करंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्या और कोई अन्य सवाल या कोई आपको पेड कोर्सेज चाहिए सस्ते दामों में, तो आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके इस नंबर में मैसेज करिए, हम आपको सारे पेड कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य सवाल अन्य क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं रात को 8 बजे वाले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।